शिक्षण संस्थानों में नए सत्र की शुरुआत होते ही डीएवीवी ने जिले भर के महाविद्यालयों को अपने अपने कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाने के निर्देश तकरीबन 2 माह पहले दिए थे, लेकिन विश्वविद्यालय से संबद्धता रखने वाले कॉलेजों ने अभी तक दिए गए दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया है। तकरीबन 250 से ज़्यादा कॉलोनियों में अब तक सिर्फ 150 ही वाले एंटी रैगिंग कमेटी बनाकर उनकी जानकारी विश्वविद्यालय को पहुंचा पाए, जिनकी कॉलेजों ने अब तक एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड नहीं बनाई। उन्हें बार बार विश्वविद्यालय की तरफ से स्मरण पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह के कॉलेजों ने कमेटी की कोई जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं भेजी। मतलब यह कि विश्वविद्यालय रैगिंग को लेकर गंभीर नहीं है। देवीहल्ला विश्वविद्यालय में वैसे तो 8 जिले हैं और लगभग 288 कॉलेज हैं। हमने सभी कॉलेजेस को जुलाई में नोटिस प्रेषित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और UGC के रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग आप सभी लोग जो है एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाएं। लगभग आधे कॉलेज ने हमें ये जानकारी प्रस्तुत कर दी है। जिन कॉलेजों ने हमें जानकारी प्रस्तुत नहीं की है उनको हमने स्मरण पत्र रिमाइंडर फिर भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी जल्दी अपनी कमेटियां गठित करके हमको सूचित करेंगे। आप जानते हैं कि इन मामलों में कोर्ट का खुद आदेश है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए कॉलेज के लोगों को, और वो गंभीरता से ले भी रहे हैं, और अगर इसके बावजूद गंभीरता नहीं तो हमारे उच्च अधिकारियों से हम बात करेंगे और उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम करेंगे।